हमारे ब्रह्मा ने जो अन्न सृष्टि के लिए बनाए। भाई ये है मैडम की ओर से टेस्ट के लिए। आहा, छोटू रेहान ने नई साइकिल ले ली। अरे गजब, कितने की मिली? 2 रुपए? 18,000 की? अब झूठ ना बोलो, तुम्हारे तो बोतल भी लगी। उधर आओ, बोतल देखे। और वाली साइकिल कितने की बेची? वाली बेच दी 700 की। कितने की बेच दी? 700 की। 700 की बेच दी, 1800 की ले आए। इसको उल्लू बना दिया। 2800 की लेके आई। इधर लाओ, इधर लाओ, सामने लाओ, भाई सिया खा जाएंगे वरना तुमको। सही है, हाँ तो साइकिल अच्छी लग रही, बढ़िया है। सही भैया, बाप बेटे मिलके ठग रहे हैं किसी को। ठगे ले रहे दोनों लोग मिलके। लो अपनी पानी की बोतल। भाई शाम का समय, निकल के आ गए जीत भाई की शॉप पे, और रामलीला ग्राउंड में जलता है रावण। लेकिन इनके थ्रू, अगर इनके थ्रू पास मिल जाएगा, वरना पास नहीं मिल पाएगा। बहुत भीड़ हो जाती है क्या? हाँ भाई, अगर अब हम तो सोच रहे थे फ्री होगा, इसी घुस जाओ आराम से, देखो ऐसा कुछ नहीं है यार। दरअसल बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो आते हैं। अच्छा, उनके चक्कर में सिक्योरिटी हार्ड होती है। और सबसे मेन चीज भाई, यहाँ बहुत बड़ा रावण है ना, तो उस चक्कर में बहुत ज्यादा भीड़ होती है। तो हाँ, अपना पास रिजर्व कर लो, दो, चाहे कोई जाए ना जाए, 2 लोग जाएंगे ये हम जानते हैं। कैसी कैसी हो, कैसी हो? अरे इतने दिन बाद मिली देखो। कैसी हो है? सुना टमाटर नहीं खा रही हो? तो दो दो टमाटर लगा के मिल रहे, नहीं खा रही हो क्यों? फिर वीवीआईपी पास है एकदम आगे। हाँ तो एकदम आगे के जाइए, रावण एकदम करीब से दिखे, जहाँ उसके तीर जाए वहाँ तक का दिखे। चलिए भाई, आपके लिए वेट रहेगा। 24 को दशहरा है, तो 24 को नहीं लेकिन वहाँ 25 को जरूर वो वीडियो अपलोड कर देंगे दशहरे वाली। कोशिश करना 24 ही होगा। कोशिश करेंगे, अगर हो पाया तो कर देंगे, वरना भाई आपको नेक्स्ट डे दशहरे वाली वीडियो लखनऊ रामलीला ग्राउंड में। बहुत बड़ा एकदम बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है, रावण को जलाया जाता है, और हर साल जलाते हैं। हर साल क्यों जलाते भैया, एक बार में जला के खत्म करो यार। अजीत भाई, अब की बार ट्रैम्पोलिन कब चलेंगे? अब आज कौन सा दिन है? नहीं यार, दिन कोई हो तो बताओ, कल परसों का वादा तो कर ही लेते हो। आज है तुम्हारा 24 को, हाँ 24 को दशहरा है, संडे को चलो, परसों मतलब। और दशहरा किस तारीख को है? मंडे, ट्यूसडे, मंडे को होगा दशहरा। मंडे को है दशहरा? मंडे को है ना, 24 तारीख। 24 तारीख को दशहरा नहीं, ट्यूसडे को होगी। तो देखिए, संडे का वादा है, आज फ्राइडे हो गई, रात निकल गई, तो आज तो जाना नहीं है। कल तो बहुत मुश्किल है, हमें लगता है संडे देखते हैं। अगर संडे को चले तो ट्रैम्पोलिन जाएंगे पक्का। कैसी बात? हाँ हाँ, वो पक्का था, वहाँ देखा। कैसी बात करते हो, तो देख चुके हम कई बार तुम्हारा। और ये हमारे आमिर भाई, एसी की सर्विस दोबारा कर दी है, और हेलमेट के नीचे कैप पहने उतारो भैया, रात में धूप लग रही है क्या? अरे हमने लगा लिया था हेलमेट, कहाँ ये फैशन, ये देखिए, ये फैशन देखिए, हेलमेट उतारी है, टोपी लगी है। और आप क्या कर रहे हैं इनका? अब ऐसे ऐसे वो बता रहा है कि भाई ठंडा नहीं कर रहा है, ठंडक मौसम ही ठंडा होगा तो क्या चलाएंगे ये। अब वो कह रहा कोई कोई फायदा नहीं है सर्विस का, अगले साल इनका फायदा होगा। कवर ढक के, अभी कवर लगा के ढक दे, अभी कोई फायदा नहीं है, अगले साल इनको मजा आ जाएगा। हम चलोगे रामलीला ग्राउंड, रामायण चल रही वहाँ, दशहरा जलाया जाएगा रावण फिर? हाँ थोड़ी नहीं जलाया जाएगा, हाँ नहीं जलाया जाएगा, लोगों को दिखा दे, देखो लखनऊ में इस तरह से रामलीला चलती है। और कब से चल रही है, कितने दिन से? बहुत सालों चल रही है, तो जब से ए, वो थोड़ी सालों चल रही है। ए जी, यहाँ कब से शुरू हुई है? है जी, यहाँ रामायण कब से शुरू हुई है? रामायण यहाँ, हाँ पहले नवरात्र, नवरा पहले नवरात्र से बराबर बचपन से चल रही। हर साल होता है, तो अभी हम लोग चलते हैं रामलीला ग्राउंड, यहाँ पे दिखाते हैं आपको अंदर का प्रोग्राम। तेरे वाले दिन जब रावण जलेगा वो भी दिखाएंगे, उसके बाद छोटा रामलीला, छोटा रामलीला का भी दिखाएंगे। छोटा रामलीला कहाँ? ये पीछे, अच्छा देवी बगला वही है, वो रामलीला ग्राउंड की तरफ बढ़ रहे हैं, और रामलीला चल रही है, रामायण गई है। और देखिए इधर बहुत है भाई, यहाँ दिवाली से पहले अंदर दिख रहा, बाहर दिख रहा है, दशहरे के बाद जो मेला लगता है यहाँ, दशहरे में तो आना नहीं है, लेकिन सब दशहरे के बाद से यहाँ पे त्योहार एकदम, आप आ जाओ ना।
सब सजा हुआ है ऐशबाग के पास। ऐशबाग के पास आप आएंगे सब मिलेगा, मेला खाना पीना। तो भाई आ गए रामलीला ग्राउंड में और यहाँ पे रामायण हो रही है साथ में। जीत भाई कब से शुरू हो जाती है? शुरू कब से हो जाती है ये? ये भाई दिवाली के पहले वाली नवरात्रि होती है। दिवाली के पहले वाली नवरात्रि में ये देखो। और उस जमाने में हर साल ऋषि थे जिन्होंने बहुत हर साल शुरू हाँ रामलीला ग्राउंड बहुत मतलब हम लोग छोटे थे स्कूल जाते थे तब से हो रही है। तब तो घर वाले यहाँ आने नहीं देते थे। और पता ही अभी रेनोवेट हो रहा है पूरी तरह। हाँ अभी हो रहा है, अभी हो रहा है। बहुत बढ़िया। तुलसी रामायण का निर्माण कर दे और रामायण कहाँ लगेगा? हाँ ये होती है, ये सब बिल्डिंग बन गई ना इधर। यहाँ पहले घर होती थी ये पूरी, यहीं पे ये सबसे सिक्योरिटी क्वालिटी है। ग्राउंड उधर भी है फ्रेंड इसके, तो उधर चलेगा। तो ये पूरा अरेंजमेंट है और दशहरे वाले दिन हम लोग यहाँ आएंगे और जो रावण चला जाएगा भीड़ बहुत होगी उस दिन, बहुत ज्यादा भीड़ होगी। उस दिन कवर करेंगे, मेन उसी दिन होगा। अभी तो रामायण यहाँ चल रहा है, भीड़ देख के भाई हालत खराब हो जाएगी। इतनी भीड़ होगी पूरा हो जाएगा। अगर आप गिर गए गलती से तो समझ लीजिए पच्ची हो जाएंगे दबकर। हमारे ब्रह्मा ने जो अन्न श्रेष्ठ के लिए बनाए वो हमारी पूजा में शामिल है। इसी तरह कुछ पुष्प है, जिस दिन दशहरा होता हो उस दिन अंदर रखने के कदम जगह नहीं मिलती है। उस दिन से पूरा ग्राउंड बहुत बड़ा है भाई, लेकिन तुम्हें अंदर बिठाएंगे वो भी आगे वाली सीट से। भैया जहाँ रावण जलेगा उसके थोड़ा दूर हमें रखना, रावण के नीचे तुम लगा करवा दी। रावण के नीचे लगा करो तो थोड़ा दूर करके ऐसा ना हमारी बॉकिंग लगने लग जाए। मूर्ति अच्छी स्थापित करी है पीछे वो देखो, चक्र ये आपका फोटो सेशन के लिए यहाँ फोटो खिंचा ले रहे। यही फोटो लगी है जो बैनर पे आपने देखी है। लेकिन जो रामायण है वो 9:30 बजे शुरू होती है। अभी 3-4 दिन है दशहरे में, तो जिसको आना है वो यहाँ आ जाए, लेकिन 9 बजे आए, उससे पहले ना आए। 9 बजे आए और आने के बाद यहाँ पे काम निपटा के आराम से 9-10 बजे तक आए। 9-10 बजे के बाद आए तो उसके बाद यहाँ आके मजा आ जाएगी। देखते हैं चलते हैं भाई यहाँ से कुछ खाते पीते हैं फिर पहुँचते हैं दूसरा के घर वापस। तो भाई आज नया आइटम यहाँ पे टेस्ट करेंगे हम लोग, किचन मंत्र। तो भाई कुछ खाने के लिए फिर से एक बार किचन मंत्र। देखिए बढ़िया डेकोरेशन रहती है यहाँ पे, बढ़िया एनवायरनमेंट। और कुछ आइटम और यहाँ शुरू हो गए ऐशबाग के पास। देखिए मलाई चाप, मसाला चाप, तंदूरी मोमोज, लेकिन हम लोग ने आज मंगाई है मलाई चाप हाफ। तो देखते हैं भाई मलाई चाप का टेस्ट कैसा है। वैसे तो जो नाके वाले मलाई चाप है दो जगह हम तो दिखा चुके हैं, बढ़िया है, लेकिन जहाँ पहले खाई थी वो ज़्यादा अच्छा था, जहाँ हम और जीत भाई ने खाई थी। बाद में हम किसके साथ गए थे? कानों के साथ थे शायद, उसके बाद कानों भाई के साथ गए थे, तो बगल वाले में गए थे। तो किचन मंत्रा का देखते हैं भाई कैसा टेस्ट है। ऐशबाग पुल द वुड्स ऐशबाग के सामने ही है यह वाला, और काफ़ी आइटम है यहाँ पे भी बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे। भाई ये है मलाई चाप, चलो उठाओ चम्मच शुरू हो जाओ, देर बहुत हो रही है। बढ़िया यार, मज़ेदार भाई, मज़ा आ गया। हमें लगा दोनों जगह से अच्छा है, बढ़िया है ना। हाँ ये चटनी खाएगी हम तो, ये देखना कैसा लगा। अच्छा लग रहा ना, हमें लग रहा दोनों जगह से ज़्यादा अच्छा है यहाँ का, बढ़िया भाई, एक नंबर से गजब का आइटम है। लेकिन उसकी मिंट वाली चटनी जो थी वो थोड़ी अलग थी, ये अलग है, ये नॉर्मल अपनी जैसे घर चटनी, जो मिंट चटनी वो मिंट हाँ थोड़ी अच्छी लग रही है। उन्होंने एक चटनी दी थी, यहाँ दो है। बढ़िया है भाई किचन मंत्र, आओ बावर्ची अच्छा है यहाँ का, इसका मतलब ये आइटम दिखा दे रहे हैं, ये देखिए
वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, ये नए आइटम है और ये सब पुराने आइटम। वीडियो को पॉज करिए और आराम से देखिए। हाँ यार पराठा भी बनाते होंगे, पूछ ले बुला के, पूछ लेंगे आपको भी। हम लोगों ने जब वहाँ पे खाया था तो आपने देखा था, हम लोगों ने पराठा भी बनाया था, लेकिन यहाँ पे पराठे के लिए हमने पूछा नहीं है। हाँ तो भाई हम लोग यहाँ पे खाने पीने आते रहते हैं, किचन मंत्रा है इस बार। तो मैम की ओर से क्या है मैम, तंदूरी मोमोज, तंदूरी मोमोज स्पेशल नया आइटम। अच्छा स्पेशल, और इसकी फिलिंग बहुत ही अलग है। अच्छा कुछ जो है आपको जो नॉर्मल आप लोग वेज मोमोज खाते हैं, वेजीज रहती है या पनीर मोमो खाते हैं, वो नहीं है, वो नहीं, अलग है। अगर उसमें अंदर क्या है उसको जानने के लिए आपको। तो देखिए भाई हमने दिखा दिया और बहुत अच्छे जितने भी आइटम है, आइटम बहुत है हमने आपको दिखाए, तो सारे आइटम और ये मैम की ओर से हम लोग के लिए है। तो देखते हैं खा के कैसा है। शुरू जी भाई भैया ट्राई कर रहे हैं, उसके बाद हम ट्राई करेंगे। तो भाई मैम की ओर से कॉम्प्लीमेंट्री है और मोमोज है, साइज बहुत बड़ा है लेकिन तंदूरी मोमो। तंदूरी मोमो अंदर क्या है इसके अंदर, वो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। किचन मंत्रा है एक बार द वुड्स बिल्डिंग है ठीक उसी के सामने, लेकिन टेस्ट कैसा है ये हम आपको बता दें। फीलिंग नहीं दिखाएंगे, फीलिंग नहीं बताएंगे भाई, वरना फिर मज़ा नहीं आएगी, आप लोग आएंगे नहीं यहाँ पे। कैसा है गजब का फीलिंग बताना नहीं, लेकिन जिस तरह से रोस्टर बनाया जाता है उस तरह से पूरे बहुत अच्छा को रोस्ट कर दिया है। बहुत अच्छा भाई गजब का है, नया आइटम है एकदम है।